नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। जनपद स्थित मुख्यालय पर पंडित कमलापति त्रिपाठी पार्क में शहीद दिवस के अवसर पर जिले भर के कांग्रेसियों ने जुटकर होकर महात्मा गांधी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। बता दें कि जनपद में राहुल गांधी की आने वाली न्याय यात्रा से पूर्व ब्लॉक स्तरीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक चलाई गई थी। जनपद में ब्लॉक कांग्रेस के प्रभारियों और ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में चलाई गई 5 दिवसीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने अपने ब्लॉकों से चलकर जुलूस के शक्ल में चलकर मुख्यालय पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस समापन यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा कि महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर ही अखंड भारत की परिकल्पना की जा सकती है। वर्तमान सरकार गांधी जी से जुड़े स्मारकों को गिराने और उनके विचारों को मिटाने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष। आज आप लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, क्या है पूरा प्रोग्राम? आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस है, हम लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और 26 तारीख से 30 तारीख तक जो ब्लॉक स्तरीय भारत जोड़ो न्याय यात्रा जनपद में चल रही है, आज उस यात्रा का समापन भी है। यहाँ हम लोग बैठे हैं, रामधुन गा रहे हैं, देश के अंदर जो नफरती विचारधारा फैलाने का काम RSS और BJP के लोग कर रहे हैं, उस धारा के विपरीत हम लोग लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग इस नफरती विचारधारा में मोहब्बत की दुकान और लोगों में प्यार और सामंजस्य बैठाने का काम हम लोग कर रहे हैं, अपनी विचारधारा को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। न्याय यात्रा का क्या कुछ रिजल्ट जिस प्रकार चाहिए था, जिस प्रकार आप लोग कूच कर रहे हैं, हर जगह गली गली जा रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट कुछ मिला? न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जो माननीय राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं, हम पहले भी जब पिछले साल भी जो यात्रा निकली थी तब भी हम लोगों ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राजनीतिक चुनाव हानि लाभ के लिए नहीं है। यात्रा का मकसद जो इस देश के अंदर नफरती विचारधारा को फैलाने का काम RSS और BJP के लोग कर रहे हैं, उस विचारधारा को समाप्त करना है और लोगों के अंदर प्यार और मोहब्बत को बनाए रखना है। आज गांधी जयंती पे आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनका मना रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जनपदवासियों? ये आज के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पूरा विश्व पूछता था, आज जो है देख रहे हैं क्योंकि आज के दिन ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसी नफरती विचारधारा के लोगों ने उनकी हत्या की थी। और इस देश का आजाद भारत का प्रथम आतंकवादी कोई साबित हुआ तो नाथूराम गोडसे साबित हुआ था, जिसने देश के अंदर प्यार और मोहब्बत और भाईचारे की बात करने वाले एक निर्जीव व्यक्ति जो एक निरीह प्राणी के रूप में बैठे हुए महात्मा गांधी जी को जो एक हाड़ मास का व्यक्ति एक लाठी लेकर बैठा हुआ है, राम का भजन गा रहा है, उसकी हत्या कर देना, ये कहाँ का बहादुरी है? ये नफरती विचारधारा का ये सोच थी जो उस वैसे व्यक्ति की हत्या की गई जो इस देश में प्यार और मोहब्बत की बात करता है। अपना परिचय दीजिए। मधुरा है, कांग्रेस कमेटी सदस्य। आज आप लोग बैठी है यहाँ पार्क में, क्या है? हम लोग का 27 तारीख से न्याय यात्रा चल रहा था, आज चारों 9 ब्लॉक का समापन है यहाँ, और आज गांधी जयंती है, इसी दिन मतलब गांधी जी की हत्या हुई थी और उसी पर हम लोग अपना बैठ के यहाँ उनके नाम से मना रहे हैं। क्या लगता है आपको RSS जिस प्रकार की रणनीति प्रेजेंट टाइम में कर रही है, कांग्रेस की ये जो आप लोगों ने यात्रा निकाली है, कुछ उसका असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, इतना असर पड़ेगा कि RSS से अब BJP भाग रहा है, इसीलिए तो सब जगह तोड़ने के चक्कर में पड़ा है, इसीलिए तो सबको जेल में डालने के चक्कर में पड़ा है। बाकी राहुल गांधी उनके बेटे हैं, कभी डर नहीं सकते, गांधी परिवार का वो हैं, वो डर नहीं सकते, जब वो अंग्रेज से नहीं डरे तो इनसे डरेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन, जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई है, एक आतंकवादी सबसे पहला देश का घोषित किया गया था, तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनपदवासियों को? आज वही लोग बैठे हैं जो गांधी जी का हत्या किए, गोडसे परिवार, गोडसे परिवार आज देश को चला रहा है और वही कहते हैं कि हम तो गांधी विचारधारा के, ये नहीं कह पाते, अंदर पूजा करते हैं और बाहर कहते हैं कि हम गोडसे, अरे गांधी जी का नाम सम्मान करते हैं,
गांधी जी का कोई सम्मान करेगा वो गांधी परिवार है और कांग्रेस है, जो कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए।